भाभी। अरे रानी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। अरे बेटा नमस्ते मामी। अरे नमस्ते बेटा। जीजू नमस्ते। अरे वाह रानी, बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उम्र 10 साल और कम हो गई है। अरे भाभी आप भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अरे नहीं, हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। वही तो। अरे बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर हो गया। अब कम से कम रानी बिटिया से मिलने के लिए सालों इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। अरे बुद्धू बाबू कोल्ड ड्रिंक लीजिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, तुम लोग भी लो ना। और सुनाओ रानी, कैसा लग रहा है आगरा से वापस कानपुर आके? अरे भाभी बहुत अच्छा लग रहा है, और राखी के मौके पे आई हूँ ना, इसीलिए और भी अच्छा लग रहा है। भाभी भैया कितने बजे आएंगे? वो बस आते ही होंगे अभी। अच्छा ससुर जी, हमने बहुत हार रानी को दे रखे हैं, इसके पास बहुत सारे हार हैं। रानी ये हार बहन जी का ही है, इन्हीं को दो। भाभी ये हार आप ही रख लीजिए। नहीं नहीं रानी, ये हार तुम रखो। बुद्धू बाबू आप भी कुछ भी बोल रहे हैं, अरे परिवार में हमारा तुम्हारा थोड़ी होता है। रानी तुम ये हार रख लो बस। अरे नहीं भैया, माँ ने भाभी को मुंह दिखाई में दिया है। तुम रख लो इसे, राखी वाले दिन तुम यही हार पहनना। क्या हो गया, तुम सब ठीक तो है? आपको नहीं पता क्या हुआ और बाहर क्या हो रहा है? वो भी मेरी बहन और जीजा आए हुए हैं तो रिश्ते हैं, और रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं, लेकिन रिश्ते में दूरियां भी जरूरी हैं, ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। बॉबी क्या हो जाएगा, वो तो वैसे भी ऊपर वाले कमरे में रहने वाले हैं। वही तो। अरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो कमरा मैंने बबली के लिए रखा हुआ था, सोचा था उसकी पढ़ाई के लिए काम आएगा। तो एक नया कमरा बनवा देंगे ना, इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है, कहां से लाएंगे इतने पैसे? आ जाएंगे ना, अभी ऑफिस से आया हूँ, अभी चाय तो बनाओ। मैं बनाऊं या रानी से कहूं इलायची वाली चाय बना दे? तुम्हारे कान के झुमके। मिल गया चैन? आज राखी के दिन मेरी बहन को रुला के चैन मिल गया होगा ना तुम्हें? मैंने रुलाया रानी को? मैं इसे क्यों कहूं कि घर छोड़ के जाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं रुलाया। देखिए हम नाराजगी से नहीं जा रहे, हम खुशी खुशी जा रहे हैं भाई साहब। मेरे ही कारण सब लोग दुखी हैं ना, तो ठीक है मैं अभी अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ। हाँ हाँ आज ही जाओ, अभी जाओ। आप कहीं नहीं जाएंगे भाभी, गलती मेरी है, मैं ही भूल गई थी कि मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। ये घर अब आपका है भाभी। अच्छा ये मुझे आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। रानी ये बैग उठाओ, चलेंगे हम यहाँ से, नहीं रहना इस घर में। अरे बुद्धू बाबू अब क्या हो गया? अरे असुर जी मतलब ससुर जी, हो क्या नहीं गया, मतलब ऐरा गहरा समझे हैं क्या? बुद्धू हैं हम। अरे हम बहन मानते हैं इसे, तो क्या हमें राखी नहीं बांधेंगी? जीजा जी आइए ना, आपको भी राखी बांध देते हैं। नहीं नहीं ठीक है। जीजा जी आइए राखी बांध देते हैं, आइए राखी बांध देते हैं, आइए राखी बांध देते हैं। देखा हो गया ना 3 बार। हाँ ये हुई ना बात। घुमाया है।